Yo, what's good guys, Henry, and welcome to Mars Mania, back again with another video. And today we're gonna ring some WWE 2K17. So the hum log ye dekhenge ki WWE 2K17 mein jaise ki like 2K16 aur 2K15 ke alawa jo hai isme kya new jo hai look lekar aaye. Basically the thing is that ke WWE 2K17 mein sabse pehle inhone jo hai अपने जो व्यूअर्स हैं, जो अपने जो इनके जो यूज़र्स हैं 2K16 के और 2K15 के, बेसिकली इनको कंबाइंस किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इसके अंदर जो है न्यू क्या होना चाहिए, और उसके ही मुताबिक इन्होंने बिल्कुल जो है न्यू क्रिएशंस की हैं 2K17 में, जो बेसिकली किसी को जो बहुत से लोगों को नहीं पता. और द थिंग इज़ दैट इन WWE 2K17 देर विल बी नो 2K केस. जी, 2K केस जो है बिल्कुल भी नहीं है इसमें दिस ईयर 2017 में. तो अगर आप मतलब ये सोच के बैठे हैं कि लेजनर के जो है पीछे की जो है रेसलिंग्स खेलना चाहेंगे, या अपना गोल्डबर्ग की अगर आप रेसलिंग जो है खेलना चाहते हैं जो पूरा जो पास में उसने किए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला. हो सकता है कि नेक्स्ट DLC में या अपकमिंग DLC में ऐसा कुछ हो जाए जो कि ये लोग चेंजेस करें और फिर क्या नाम है 2K जो केस है वो आ जाए, लेकिन वो इसी पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, द थिंग इज़ दैट इसका जो मेन मेन्यू है जो 2K17 का वो बहुत ही आला इन्होंने बनाया, लाइक स्मोक एंड ऑल द थिंग्स, द रेसलर्स इज वॉकिंग अराउंड फ्रॉम द स्क्रीन्स, एंड इसके अंदर जो है फैटल 4-वे है, 6-मैन हैंडीकैप रॉयल रंबल टूर्नामेंट्स एंड ऑल द वे जो है इसमें जो मेन्यू होता है नॉर्मली वो बिल्कुल है. अगर WWE की माई करियर मोड की बात की जाए तो माई करियर मोड के अंदर उन्होंने बहुत सारे न्यू चेंजेस लेकर आए, जिसके अंदर जो है हेमन गाय चैलेंज भी है, जो जब आप WWE का कोई टाइटल जीतते हैं तो आपको जो है पॉल हेमन की तरफ से जो चैलेंजेस होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, अपना जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी आपको जो चैलेंजेस होते हैं जैसे कि 2K16 में भी थे वो भी इसके अंदर है. लेकिन जो माई करियर मोड के अंदर जो न्यू थिंग्स उन्होंने लेकर आए हैं वो वॉक, जैसे कि आप रिंग के अंदर जाते हैं तो आप अपना भाषण झाड़ते हैं, तो भाषण झाड़ने वाली जो नई चीज़ है ये इन्होंने इंक्लूड की है माई करियर मोड के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी है आपकी गेमिंग पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, और फैन फॉलोइंग जो होती है आपकी गेमिंग की प्लेयर की वो बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है. तो उसमें आपको देखा जाता है कि आपका प्लेयर जो है मतलब किस तरह से खेल रहा है, एज अ बैड लेवल खेल रहा है या अच्छे लेवल पर खेल रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है. जी, हम लोग जो है मेन मेन्यू में है, जैसे कि अब हम इसका थोड़ा सा गेम प्ले चेक करेंगे तो ताकि पता लग सके कि जो है इसमें गेम प्ले के अंदर क्या चेंजेस है. तो आई एम गोना स्टार्ट अ नॉर्मल मैच विद लेजनर. चलिए, ये जो न्यू चीज़ उन्होंने न्यू फीचर्स लाए हैं, जैसे कि कॉल्ड नेम जो होता है, जैसे मतलब आपने जैसे रेसलर आपने कोई भी चूज़ किया और आपका जो है नेम जो है कॉल किया, अब रिमूव मैनेजर और नॉट लेट्स यस नॉट रिमूव मैनेजर रख लेते हैं. ठीक है, जैसे कि पॉल हेमन से क्या उसी का जो है नाम, सेम थिंग हैपन अगेन. सो लेट्स स्टार्ट द मैच. The match we have next is going to be awesome. Stay where you are. It will be Brock Lesnar against Roman Reigns. Oh man, I can't wait to see these two go at it. Oh, that's yet to be determined. अच्छा जी, हम लोग अपने जो है वो गेम, अच्छा जी जैसे कि हम लोग जो है गेम प्ले में आ गए हैं, और मैं माजर चाहता हूँ क्योंकि मैंने एंट्रेंस नहीं दिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स ऑफ यूट्यूब. सो गेम प्ले की अगर बात की जाए तो बेसिकली WWE 2K17 का जो गेम प्ले है वो 2K16 और 15 से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है. इसमें लाइक मूवमेंट जैसे होती है WWE के अंदर रेसलर्स की, वो बिल्कुल उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है ग्राफिकली बनाई है, और इसमें रिवर्स मूव जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बनाए इसमें, जिसकी वजह से गेम प्ले जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा आप गेम प्ले खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल जो है रेसलिंग ही कर रहे हैं. ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने जो न्यू चीज़ एक देखी है, ब्लड की बात की जाए, अगर जैसे कि मारते वगैरह तो खून वगैरह जो निकलता है वो इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो बनाया है. लाइक अगर आपका मुंह फट जाता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ होता है मुंह फट जाता है आपका, जैसे जो फटना ही है लाजमी फटना ही है वो, तो वो उसमें एक ये चीज़ होगी कि मुंह फटेगा और खून बहेगा और खून नीचे तक जाएगा, चेस्ट पे लगेगा, और दैट्स ऑल द थिंग. अच्छा, इसके अंदर जो है टॉन्ट का जो है इन्होंने बनाया है, टॉन्ट जो होते हैं जो चवल मस्तिया शोबाजी जो होती है, तो वो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया. उसमें आप आवाम में जाके भी कर सकते हैं,
और मतलब आप रिंग के ऊपर खड़े होकर भी कर सकते हैं और भी मतलब इस तरह के स्टाइल जो होते हैं वो कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इज़ दैट इन गेम कि जो गोल्डबर्ग का जो एंट्रेंस लेवल है, एंट्रेंस का जो स्टाइल है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया, जैसे कि गोल्डबर्ग का जो होता है। अच्छा जी, अगर हम TLC की बात करते हैं तो TLC के अंदर जो है द बेस्ट थिंग दैट मोमेंट जो है मतलब एक एग्रेशन जो होता है, जो गुस्सा आना होता है, वो बहुत ही उन्होंने बेहतरीन बनाया। जैसे कि TLC के अंदर अपना जो सबसे जो बैग वगैरह होते हैं, देखे जैसे उसमें जो चूँकि 716 में था, मौका मारने पे एक खड़ जाता, लेकिन एक जो पेन जो बर्दाश्त करना होता है वो पेन बर्दाश्त करते रहते हैं। तो ये चीज़ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी जो बनाई है। इसमें लोग जब आउटसाइड द रिंग जाते हैं तो इसके अंदर सबसे बेस्ट थिंग ये है कि कैमरा एंगल उन्होंने बहुत अच्छा बनाया कि आपको जो है एक परफेक्ट व्यू मिल सके आपको पढ़ाई करने का। और जितने पंचेज आप मारते रहेंगे तो वो बॉडी का जो मतलब बॉडी में मतलब जब पंच मारते हैं तो उसके निशाना जो है वो रह जाते। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है। उसके बात की जा रही है आउटसाइड द रिंग की, तो इसके अंदर WWE फैंस ने रिक्वायर्ड किया था कि मतलब जो पब्लिक के अंदर जो फाइट होती है वो अलाउ की जाए, ताकि जो है और जो है इसका WWE का जो है मदद ले सके। जो ये जो फीचर है ये 2K17 में बिल्कुल अवेलेबल है। आप ना कि पब्लिक में फाइट कर सकते हैं, ना कि अपना जो है आप बैक स्टेज के अंदर भी फाइट कर सकते हैं। तो पब्लिक के अंदर फाइट बेसिकली बहुत मज़ेदार होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि WWE के अंदर पहली बार ही ऐसा हुआ है जो मतलब पब्लिक के अंदर जो है आप फाइट स्टार्ट की है, तो उसके अंदर और ज़्यादा जो है फन जो है खेलने का वो बढ़ जाता है। ऐसा मतलब बिल्कुल उन्होंने ऐसा फीचर बनाया है कि ऐसा लगे कि आप गेम नहीं खेल रहे, आप बेसिकली एक WWE फाइट देख रहे हैं। और जो इनका WWE का जो न्यू फीचर जो है वो बैक स्टेज फीचर, वो बहुत ही आला फीचर है, जिसके अंदर आप बिल्कुल ही बैक स्टेज जाके मतलब आपकी फाइट चल रही है और आप उसको फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं बैक स्टेज पे जाके। तो बैक स्टेज पे मतलब बैक स्टेज पे जो आप अपनी जो तमाम इक्विपमेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी जो है प्लेयर की जितनी धुलाई करना चाहे वो उधर जाके जो है आराम से जो है वो कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपकी अगर आप बैक स्टेज जाके अपनी फाइट कंटिन्यू भी कर सकते हैं और वापस भी अपने रिंग में जाके आप वहाँ पे अपना पिन आउट करके मैच भी उसको जीत सकते हैं उसकी कुटाई करने के बाद। सो गाइस, टुडे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम जान सकें कि WWE 2K17 के अंदर जो कितने सारे न्यू फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड हुए हैं, कि ताकि WWE 2K17 को जो है और ऑसम बनाया जा सके। सो गाइस, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट मी बिलो फॉर द सजेशंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर द मोर ऑसम वीडियोस। सो गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। सो गाइस, पीस आउट, हैप्पी गेमिंग। How's that for ferocious?